Erwawi. Reduce, reuse और recycle. ये शब्द कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं, है ना? हाँ हाँ, शब्द तो जाने पहचाने हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत बहुत साल पुराने हैं. एक शिष्य के लिए गौतम बुद्ध से एक नया शॉल प्राप्त करना इतना कठिन कार्य होगा ये उसे पता नहीं था. हजारों साल पुरानी बुद्ध के समय काल की इस प्यारी सी कहानी को सुनिए और जानिए कि आखिर ऐसा क्यों था. कहानी का शीर्षक है शॉल का आखिर क्या हुआ. लेखक अरविंद गुप्ता, चित्र बनाए हैं देबस्मिता दासगुप्ता और हिंदी में अनुवाद किया है अरविंद गुप्ता. ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है. एक दिन भगवान बुद्ध आश्रम के दौरे पर थे. उन्हें देखकर एक भिक्षु सामने आया. उसने एक नए अंगरखे यानी शॉल के लिए प्रार्थना की. बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारे पुराने शॉल का क्या हुआ? भगवान, वो बहुत पुराना हो गया था और जगह जगह से फट गया था, इसलिए आजकल मैंने चादर की तरह उसका बिछौना बना दिया है, भिक्षु ने कहा. बुद्ध ने फिर पूछा, फिर तुमने पुरानी चादर का क्या किया? चादर तो लगातार इस्तेमाल के बाद एकदम फट गई थी, इसलिए मैंने उसे काट कर तकिए का गिलाफ बना लिया था, भिक्षु ने उत्तर दिया. परंतु तुम्हारे इस नए गिलाफ से पहले भी तो तकिए पर कोई गिलाफ चढ़ा होगा, उसका क्या हुआ? बुद्ध ने मामले की बारीकी से जांच करते हुए पूछा, मेरा सिर हजारों लाखों बार उस गिलाफ से रगड़ा था, उससे गिलाफ फट गया था, मैंने उस फटे हुए गिलाफ का एक पायदान बना लिया, भिक्षु ने विनम्रता से कहा. बुद्ध इस उत्तर से भी असंतुष्ट नजर आए. वो हमेशा चीजों की गहराई से खोज करते थे. उन्होंने अपना अंतिम सवाल पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुमने पुराने पायदान का क्या किया? भिक्षु ने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना के स्वर में कहा, पुराना पायदान तो पैरों की रगड़ से एकदम तार तार हो गया था, उसके रेशे बाहर निकल रहे थे, इसलिए मैंने उसके रेशों को इकट्ठा करके एक बाती बनाई. बाद में मैंने उस बाती को तेल के दिए में जलाया. भिक्षु की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए. भिक्षु को नया शॉल मिल गया. बच्चों, यहाँ पे कहानी तो खत्म हुई, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पे हम छोटे बड़े थोड़ा विचार करें और उसे अमल में लाने की कोशिश करें, पुनः प्रयोग करें, कचरा कम करें. हम वस्तुएं खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं और बिना सोचे समझे उन्हें फेंक देते हैं. हम ज़रूरत से कई ज़्यादा वस्तुएं खरीदते हैं. ऐसा लगता है मानो हमारा मंत्र हो, अधिक खरीदो अधिक फेंको. हम पृथ्वी के संसाधनों जैसे कि पानी, पेड़ पौधों, रेत, मिट्टी आदि का दुरुपयोग करते हैं और टनों कचरा पैदा करते हैं, जिनसे जगह जगह कूड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं. क्या सदा ऐसा ही हाल था? क्या हम भारतीय ऐसे ही चीज़ें फेंकते बर्बाद करते रहे हैं? नहीं. इतिहास बताता है कि हम बहुत ध्यान रखते थे और इस बारे में बड़े संवेदनशील रहे हैं. हम मानते हैं कि हर वस्तु के कई प्रयोग हो सकते हैं, उसका इस्तेमाल कई बार अलग अलग तरह से हो सकता है और उसके कई जीवन काल हो सकते हैं. पुनः प्रयोग और रिसाइकल करने की धारणा भारतीय संस्कृति में गहरी समाई हुई है. ये कहानी 2500 साल पहले की है, जब महान मुनि और गुरु गौतम बुद्ध यहाँ रहते थे. इसमें वस्तुओं और भौतिक चीज़ों के प्रति एक गहरी समझ बूझ साफ झलकती है. ये कहानी अनायास ही हमें बहुत कुछ सिखा जाती है. और एक बात छोटी सी इस कहानी के लेखक के बारे में. अरविंद गुप्ता जी, जो बच्चों के लिए साइंस टॉयज़ बनाने के लिए मशहूर है, उन्होंने अनेक अपनी आसपास जो जो चीज़ें अवेलेबल है, जो जो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो जो इजीली अवेलेबल है, उनसे साइंस टॉयज़ बनाने की उनकी बहुत सारी कृतियाँ
और उनके बहुत सारे किताबें उनकी जो वेबसाइट है उस पर उन्होंने फ्रीली अवेलेबल रखी है, www.arvindguptatoys.com। कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ, तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।